ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ सी लैंग्वेज VCA 1। तो हमने दो लेक्चर्स में थोड़ा सा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, एक बेसिक हिस्ट्री और सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ी थी, और उसके साथ ही हमने एक छोटा सा एग्जांपल करके प्रोग्रामिंग सेट को देखा था। आज हम आपको स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 1 से। आपका जो सबसे पहला आपका टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं अपने कंप्यूटर से बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, कंप्यूटर को किसी भी तरीके का आदेश देने के लिए, उनसे कुछ भी कार्य कराने के लिए, तो वो किस तरीके से होता है और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे एक डेफिनेशन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस टू डायरेक्ट ए कंप्यूटर टू परफॉर्म डिजायर्ड सेट ऑफ ऑपरेशंस। मतलब क्या हो गया कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, एक कलेक्शन है किसी भी कोड का, जो कोड इंस्ट्रक्शंस हमने दे रखे हैं उनका एक कलेक्शन है, जिसके द्वारा हम डायरेक्ट मतलब अपने कंप्यूटर को बताते हैं कि वो कोई भी डिजायर्ड कार्य परफॉर्म डिजायर्ड सेट ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि कोई भी ऑपरेशंस वो कैसे करेगा, ये हम अपने एक कोड के कलेक्शन से बताते हैं और उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं या उसको हम डायरेक्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो बेसिक चीज़ें हमारी क्या हैं, जिसमें सबसे पहले चीज़ जो आती है वो हमारी क्या है, एल्गोरिदम, यानी कि एल्गोरिदम प्लस हमारा डेटा स्ट्रक्चर इज इक्वल टू ए प्रोग्राम। मतलब किसी भी चीज़ के लिए कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसकी एक बेसिक एल्गोरिदम होनी चाहिए, उसका एक सफिशियंट या प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी वो एक प्रोग्राम बनता है। मतलब कोई भी कार्य जब आप करते हैं उसके लिए हम पहले से कोई चीज़ें प्रिपेयर करके रखते हैं, एक बेसिक ब्लूप्रिंट बोलते हैं जिसको हम, पहले से ही की गई तैयारियां जो सिर्फ हमारी पेपर वर्किंग होती है इसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। यानी कि कोई भी कार्य का एक्शन करने से पहले उसका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। डेटा स्ट्रक्चर होता है कि किसी भी काम को करने के लिए जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, जो बेसिक हमें डेटा चाहिए, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसा होगा कोई भी काम को करने के लिए, वो एग्जीक्यूट होता है एक पूरे प्रोग्राम में। ठीक है, इसको हम जनरल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई बर्थडे सेलिब्रेशन का एक प्रोग्राम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके एक एल्गोरिथम तैयार करते हैं कि हमारा कितने लोग आएंगे, इसका पार्टी का टाइम क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग कितने हमारा खाना बनेगा, या उसका जो अब जो खाना बनेगा या कुछ ही होगा उसका एक डेटा होता है कि अगर हमारे पास 20 लोगों को हमने इन्वाइट किया हुआ है तो 20 लोगों के अकॉर्डिंग हम अपना खाना कैसे बनाएंगे, उसका डेटा होना चाहिए, तब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर फील्ड में भी वैसे ही होता है, एक एल्गोरिदम होती है, यानी कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम होती है सबसे पहले प्रॉब्लम को हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसकी बेसिक एल्गोरिदम देखते हैं कि कोई चीज़ की शुरुआत कहाँ से होगी और उसका मीडिएटर पॉइंट्स क्या होंगे और इसका अंतिम जो भाग होगा वो क्या होगा, इसको बोलते हैं हम एल्गोरिदम। ठीक है, और डेटा जो होता है इन्फॉर्मेशन, हमें बीच में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो डेटा हम किस तरीके से सेट करेंगे जिससे हम अपने प्रोग्राम को अप्रोप्रिएट जगह पर सारे चीज़ें यूज़ कर पाएँ और अपने जो डिजायर्ड रिजल्ट होगा हमारे प्रोग्राम का वो आ पाए। अब बात करते हैं कि एल्गोरिदम यहाँ पे क्या होती है। तो एल्गोरिदम क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी कार्य को करने का। मतलब कोई भी काम आप जब करते हैं तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप एक फार्मूला होता है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी काम यहाँ से शुरू करना है, लास्ट और फाइनल यहाँ पे जाना है। अगर हम बेसिक देखें, बहुत ही आपके जो जनरल लाइफ से एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि अगर आप घर पे एक सिंपल सी चाय बनाने की भी कोशिश करते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस होता है, एक बेसिक एल्गोरिदम होती है कि सबसे पहले हमें एक बर्तन लेना है, बर्तन में थोड़ा सा पानी लेना है, पानी को गैस के ऊपर रखना है, जलाना है, चाय पत्ती लेना है, चीनी लेना है, जो कुछ भी हमें करना है, एक प्रोसेस होता है कोई भी काम करने के लिए। तो वो तो हो गई बेसिक हमारी एल्गोरिदम। उसका डेटा स्ट्रक्चर, अब डेटा क्या होगा यहाँ पे अगर हम बात करें, तो अगर चाय बनाने के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं डेटा की, तो यहाँ पे जो हमारे चीनी, चाय पत्ती, पानी, दूध, जो ये डेटा हो गया और इन सबको जब हमने पूरा बना दिया तो जो फाइनली हमारे पास चाय बन के आ गई वो एक प्रोग्राम बन गया।
इसी तरीके से हमारे प्रोग्रामिंग जो एल्गोरिथम होती है वो यही करती है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग किन किन चीज़ों को हमें अरेंज करना है, किन किन स्टेप्स में, वो हमारी एल्गोरिथम बताती है। और उस जो हमारा प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपने प्रोग्राम में किन चीज़ों की, किस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो डेटा हमारा क्या होगा, वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर बताता है, तब फाइनली हमारा एक प्रोग्राम बनता है। सर इसको स्टॉप कीजिए। अब देखिए कंप्यूटर में क्या होता है कि जो आपको एल्गोरिथम आपकी बन गई है, डेटा स्ट्रक्चर भी आपने बना लिया है, इन दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन हो गया है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एक हमारे सिस्टम में लाइब्रेरी होती है, ठीक है। ये लाइब्रेरी क्या होता है, पहले से ही हमारे जो कंप्यूटर फील्ड कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर में कुछ जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, कुछ प्री डिफाइंड हमारे कीवर्ड्स हैं, सिस्टम रिजर्व वर्ड्स हैं, जो कुछ यूटिलिटीज़ हैं जो हमें बेसिक प्रोग्राम कंप्यूटर ने पहले से दे रखी हैं, जो रिसोर्सेज रखे हैं उनको हम यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी को क्या हम बोल सकते हैं कि अपने सिस्टम के अंदर पहले से प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। क्या है लाइब्रेरी, क्या है लाइब्रेरी, इज अ प्री डिफाइंड कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, प्री डिफाइंड कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड सिस्टम रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। अब देखिए लाइब्रेरी क्या है, एक हमारी प्री डिफाइंड कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड सिस्टम रिजर्व वर्ड्स जो होता है, सबसे पहले हम ऊपर इंक्लूड करते हैं एक प्रोसेस में। अगर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट हमारा इसी तरीके से होता है, लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं, ये रिच लाइब्रेरीज जो है हमारे सी लैंग्वेज का फीचर होता है जो हमें मिल जाती हैं। इन लाइब्रेरीज का यूज़ करके हम अपने प्रोग्रामिंग को आसान, छोटा और बहुत ही इफ़िशियंट बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, या और इसको हम सही से समझें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोग्रामिंग, मतलब एक अच्छी प्रोग्रामिंग की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, एक अच्छी प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए जो पूरे प्रोग्राम को बहुत ही आसान बनाए, और जिससे हमारी प्रोग्रामिंग और जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं कंप्यूटर से हमारा कम्युनिकेशन है काफ़ी अच्छा हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है हमारी एक्यूरेसी, मतलब ये प्रोग्राम जो है हमारा बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, इसमें किसी भी तरीके की कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है इफ़िशियंट, प्रोग्राम हमारा बहुत ही आसान होना चाहिए, बहुत ही कुशल होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है मेंटेनेबल, प्रोग्राम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्राम जो है इस तरीके से बनना चाहिए कि इसको आसान हो जाए मेंटेनेंस करने के लिए, कि ऐसा नहीं है कि आज हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो कल को हम जब उसको कोई मेंटेनेंस करें तो वो मेंटेनेंस ना कर पाएँ। तो ये प्रोग्राम जो हमारा मेंटेनेबल होना चाहिए, यानी कि भविष्य में जब भी हमारे प्रोग्राम में कोई ऐसी दिक्कत आती है तो उसको हम मेंटेन कर पाएँ अपने प्रीवियस बनाए हुए प्रोग्राम में। थर्ड है हमारा पोर्टेबल, मतलब प्रोग्रामिंग जो है प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि एक सिस्टम में जो हमारा बनाया हुआ है इसको हम दूसरे सिस्टम पे आसानी से चला सकें। ये क्या हाईली पोर्टेबल होना चाहिए सिस्टम में, ऐसा नहीं है कि आपने एक सिस्टम पे बनाया, एक मशीन पे बनाया प्रोग्राम और उसके बाद हमने दूसरे पे चलाने का तो दूसरे पे वो ना चले और दूसरे पे हमें दोबारा बनाना पड़े। मतलब अगर कोई बड़ा सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं जिसके लिए आपने इसमें 2 मंथ आपने लगा रखा है तो दूसरे सिस्टम पे आप बनाने जाएंगे तो फिर से आपको 2 महीने लगेगा, तो ऐसा ना हो। मतलब ये सारा जो टाइम है एक ही बार आपको देना है और उसके बाद हम इसको पोर्ट कर सकें किसी भी दूसरे सिस्टम के साथ। तीसरा है आपका रीडेबल, मतलब जो कोड है आपका, प्रोग्रामिंग है आपकी, रीडेबल होनी चाहिए, इसको आसानी से पढ़ा जा सके। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी किसी भी तरीके की उसमें कोई खिचड़ी टाइप की कर दी है जिससे हमारा कोड को हम पढ़ ना सकें और वो रीडेबल ना हो पाए। तीसरा है बहुत ही आपका जो कोड है हमारा, जो प्रोग्राम है, रिलायबल होना चाहिए, आसान होना चाहिए। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है आपका रोबस्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, स्ट्रॉन्ग इनफ ऐसा होना चाहिए कि प्रोग्राम में किसी भी तरीके की अनएक्सपेक्टेड एरर्स आपकी ना आए। मतलब प्रोग्राम चलते चलते आपका ऐसा ना हो कि कोई भी आपकी गलतियां करने लगे या आपको गलत आउटपुट देने लगे, जो डिजायर्ड रिजल्ट है इसका आउटपुट देने का वो सही आउटपुट हमेशा आए, किसी भी तरीके से बीच में हमारा करप्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रोग्राम हमारा होना चाहिए। यूजेबल, जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं वो बहुत ही इफ़िशियंट और आसान यूजेबल भी होना चाहिए ताकि हम अपने प्रोग्राम को आसानी से कहीं पे यूज़ कर पाएँ।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि आपके जो प्रोग्राम आप बनाते हैं उसका प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट सेक्शन होना चाहिए, जहां पे आप अपने प्रोग्राम को टॉप पे आप बताएंगे, अपने प्रोग्राम के बारे में डिफाइन करेंगे, डिक्लेरेशन में आपने क्या क्या डिक्लेयर किया हुआ है उनको आप कमेंट्स में डिक्लेयर करेंगे, और जो चीज़ें आप जो फंक्शन जिस चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं उन फंक्शन को भी आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट सेक्शन में डिफाइन करेंगे, ताकि आसान हो जाए किसी भी नेक्स्ट प्रोग्रामर के लिए प्रोग्राम को समझने में। मतलब अगर आपने डॉक्यूमेंट बना के रखा है, इससे क्या होगा कि कोई भी अगर आप नेक्स्ट फ्यूचर में जब भी अपने प्रोग्राम को आप कुछ मेंटेन करेंगे या उसमें कुछ चेंज करेंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे कि ये वेरिएबल्स या ये फंक्शंस हमने किस लिए यूज़ किए थे, इनका काम क्या है। लास्ट सेक्शन हमारा है इंडेंटेशन। देखिए इंडेंटेशन क्या होता है कि प्रॉपर आपको एक गैप के साथ में सभी ब्लॉक्स को रखना है, ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन के नीचे आपने सारे ब्लॉक्स लिख दिए, उससे क्या होगा आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा ब्लॉक एंडिंग है कौन सा स्टार्टिंग है किस एक ब्लॉक का, तो सारे मिक्सअप हो जाएंगे, इससे हमारी प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही मिसमैच हो जाती है और दूसरे प्रोग्रामर्स को समझने में भी उसको दिक्कत होती है। इसलिए प्रॉपर एक गैप के साथ में सारे इंडेंट होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं, इसे कोई एक मेन ब्लॉक हमारा इस तरीके का है, इसके अंदर कोई सब ब्लॉक है तो थोड़ा सा हट के वो इसके अंदर होना चाहिए, और इसके अंदर भी कोई अगर ब्लॉक है तो वो इसके अंदर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये जो है ये गैप होता है, इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। तो इस तरीके से प्रॉपर एक गैपिंग के साथ में अपने प्रोग्राम को हम लिखते हैं, इससे प्रोग्राम हमारा बहुत ही इफिशियंट और आसान हो जाता है समझने के पर्पज़ से भी और इसको मेंटेनेंस करने के पर्पज़ से भी।